महाकाल की नगरी में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मंगलवार को प्रवेश किया। उज्जैन में राहुल गांधी ने बाबा महाकाल के दर्शन कर अभिषेक किया। गौरतलब है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का मंगलवार को मध्य प्रदेश में सातवां दिन है। राहुल की यात्रा बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और इंदौर से होते हुए मंगलवार को उज्जैन पहुंची। उज्जैन से पहले राहुल गांधी ने स्कूली कन्याओं के साथ गरबा भी किया। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में राहुल ने कहा, यह कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, यह हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है। तपोभूमि में जैन मुनिश्री के आशीर्वाद लेने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मंगलवार को महाकाल नगरी उज्जैन पहुंची। बाबा महाकाल के दर्शन करने के साथ आगर रोड स्थित सामाजिक न्याय परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान तपस्वियों का देश है। आज इस देश में तपस्वियों का अपमान हो रहा है। किसान, मजदूर, छोटे व्यापारी, युवा सब तपस्या कर रहे हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूजा करते हैं, उन्हें सब कुछ मिल रहा है। उज्जैन से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये हिंदुस्तान की यात्रा है, किसानों की यात्रा है, मजदूरों की यात्रा है, छोटे दुकानदारों की यात्रा है, युवाओं की, बुजुर्गों की, माताएं बहनों की यात्रा है, प्रेस वालों की यात्रा है। लिख नहीं पा रहे मगर है इनकी। और सारे के सारे लोग अपने तरीके से इस यात्रा की मदद कर रहे हैं। बच्चों ने पिगी बैंक दिया, दो बच्चों ने महीनों पैसे बचा के पिगी बैंक दिया, कोई पानी दे रहा है, कोई परौंठे दे रहा है, कोई अनाज दे रहा है, कोई घर से चाय आ रहा है, कोई चल रहा है, कोई चिट्ठी लिख रहा है कि मैं आपके साथ चल नहीं सकता हूं, मैं डरता हूं, सरकार से डरता हूं, मगर मैं आपके साथ हूं। बहुत लोग हैं। तो इस त्यौहार के लिए आपकी मदद के लिए दिल से मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। और ये कभी मत भूलिए, ये देश तपस्वियों का है और हिंदू धर्म भी तपस्वियों का है। धन्यवाद, जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।